वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मामर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार अपडेट्स जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। नंबर वन, कल शाम से गाइज खबरों का जो बाजार है वो गर्म हो गया। एंड गाइज द बिगेस्ट रूमर दैट वाज फ्लोटिंग इन द मार्केट वाज दैट के प्रभास की फिल्म हेलो डार्लिंग्स इट्स शो टाइम आदि पुरुष नहीं बल्कि सलार जो है उसकी रिलीज डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। देख गाइज, जवान के साथ जो भी हुआ, जो भी मिसकैलकुलेशन हुआ, चाहे वो इनसाइडर्स की तरफ से हो या ट्रेड तरफ से हो, वो एक चीज है जो कि रूल आउट नहीं करता कि एनी फिल्म कैन बी पोस्टपोन्ड इवन एट द लास्ट मिनट। इसलिए गाइस, जब भी कोई रूमर्स आए, जहां आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है। इसलिए अब गाइस हम सभी लोगों को बहुत ही भैया चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ, यड़ान्ना हमेशा चौकन्ना। लेकिन गाइस यहां पर जो मेकर्स है, स्पेशली जो पब्लिसिस्ट है, उन लोगों ने ये बातें क्लियर कर दी। साउथ से उन्होंने लिखा है, डोंट बिलीव rumors on Salah release date. The most violent man is coming on the 28th of September 2023. Number one. उसके बाद जो अफवाहों का बाजार है वो रुका नहीं, वो थमा नहीं, एंड खबरें और आगे बढ़ती गई। द रूमर नंबर टू वॉज दैट फरमान फ्रॉम KGF grows up to be Salah. अब गाइज ये रूमर कितना पुराना है आप सभी लोगों को पता है। जब से KGF चैप्टर 2 आई है तो गाइस तब से लेकर ये जो रूमर है वो उबलते जा रहा है। एंड गाइस कार्तिक गौड़ा जो कि गाइस KGF के मेकर्स में से एक है, उन्होंने इस पर हंसते हुए स्माइली इमोजीज लगाए हैं। यानी कि ये रूमर भी एकदम सरासर उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि गाइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि KGF चैप्टर 2 में जो लड़का था सलार, जो लड़का था यानी कि संजय दत्त के साथ जिसका फेस टू फेस होता है, वो बड़ा होकर यहाँ पर सलार बनेगा। तो वापस ये रूमर जो है उसको सरासर पे खारिज कर दिया है। नंबर टू, अजय देवगन्स रीमेक ऑफ वश इज मेकिंग द करेक्ट साउंड वेव्स। मेकर्स इसको बहुत अच्छी तरीके से हाइप कर रहे हैं। पहले अनाउंसमेंट हुआ कि वो एक सुपरनैचुरल थ्रिलर करने वाले हैं, उसके बाद स्टारकास्ट जो है वो एक एक दिन के बाद यहां पर मीडिया में उनके अनाउंसमेंट हो रही है। सो गाइस गुजराती फिल्म जो थी जिसमें जानकी बोड़ी वाला थी, अब गाइस जानकी बोड़ी वाला वही लड़की है जो कि ओरिजिनल फिल्म में थी, यानी गुजराती फिल्म वश में थी, वही लड़की यहां पर इसके हिंदी रीमेक में स्टार कास्ट होने वाली है। सो गाइस जानकी बोड़ी वाला, हितेन कुमार, हितू कनोडिया एंड नीलम पांचल एंड आर्यन सांगवी, ये सब ओरिजिनल फिल्म में थे। अब हिंदी वाले में कौन कौन होने वाला है? हिंदी वाले में अजय देवगन है, इसको डायरेक्ट करने वाले विकास बाल एंड आर माधवन। यस फ्रेंड्स, माधवन को भी इस फिल्म में साइन कर लिया गया है। एंड साथ ही सूर्या, साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार सूर्या जो है तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी धर्मपत्नी ज्योतिका जो है उनको भी यहाँ पर साइन कर लिया। ज्योतिका आफ्टर सो मेनी डेकेड्स इन मेकिंग हर एंट्री एंड कम बैक अगेन इन टू हिंदी सिनेमा। ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, सूर्या और उनका परिवार जो है उनके बच्चों के साथ अब फिलहाल मुंबई शिफ्ट हो गया है ड्यू टू द एकेडमिक प्रायोरिटीज। एंड यहाँ पर बहुत सारे पेपराजी जो है ज्योतिका को स्पॉट करते हैं। तो गाइस ये तो होना ही था, ज्योतिका हैड टू स्टार इन अ हिंदी फिल्म क्योंकि शी इज हाईली टैलेंटेड एंड अब उनका टैलेंट हम हिंदी सिनेमा में भी देखेंगे। तो अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका एंड ओरिजिनल लड़की थी यानी वश फिल्म में जानकी बोड़ी वाला, वो भी इस फिल्म में आने वाले हैं। नंबर थ्री, ऋतिक रोशन मेरा भाई, विक्रम वेदा इज मेकिंग ऑल द वेव पॉसिबल। अब जाकर लोग बोल रहे हो वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ऋतिक रोशन, माइंड ब्लोइंग, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैनॉट बिलीव इट, ऋतिक नेल्ड द कैरेक्टर। अरे भैया जब फिल्में सिनेमा में आती है तब तो आप गायब हो जाते हो। हाँ, मैंने अपने विक्रम वेदा के रिव्यू में कहा था कि ऋतिक रोशन इज स्मैशिंग इन द फिल्म। एंड गाइस कल हरजिंदर कैंग एंड बहुत सारे लोग जो है, हरजिंदर कैंग जो है हिज मेजेस्टीज ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एंड डेप्यूटी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया UK एंड मुंबई है। कल ये सारे के सारे लोग यशराज स्टूडियोज गए थे। सिद्धार्थ आनंद इज शूटिंग फाइटर एट नेक ब्रेक पेस क्योंकि उनको 2024 में कैसे भी इस फिल्म को रिलीज करना है। वंडरफुल आफ्टरनून विद द लेजेंडरी ऋतिक रोशन एट द YRF स्टूडियोज। तो गाइस अब ये जो फिल्म है उसका 45th डे जो है, यानी कि जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका 45th डे चल रहा है, यानी कि फाइटर फिल्म का ओवर लंच है। ही डिस्क्राइब्ड हिज अप्रोच टू ट्राइविंग इन द बॉलीवुड बिजनेस। ऋतिक ने उनके बारे उनके साथ बॉलीवुड बिजनेस के बारे में बात किया, अबाउट हिज डाइट्स, अबाउट हिज फिटनेस रिजीम, योगा, मेडिटेशन। एंड उन लोगों ने एक सीन जो है कल शूट हो रहा था यशराज स्टूडियोज में, जहां पर ऋतिक रोशन एंड अनिल कपूर एक सीन में थे, कबाउर मुन्ना झा, सो एक सीन में थे। लुक एट ऋतिक रोशन, ही इज लुकिंग ब्रिलियंट मैन।
आई मीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऋतिक टेक्स इज ब्रिलियंट। अब गाइज ये जो जगह है ये ऑडियो बिंग है वायरएफ का, उसके बाहर एक पैसेज है, वहां पर गाइज ये टेंट्स लगते हैं जब भी कोई बड़ी फिल्म शूट होती है। वहां पर जैसे जो स्टेजेस है, स्टेज 3 उसके बाजू में ही है, वहीं पर उन लोग शूटिंग करने के लिए जो है वहां पर चले जाते हैं। एंड गाइज उसी के बाद ऋतिक ने अगले फ्रेम में उनका विक्रम वेदा का फोटो एंड उनका अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फोटो दिखाया। ऋतिक रोशन इज न्यू लुक, इज लुकिंग रियली ब्रिलियंट, एक अलग ही आदमी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दूसरा ही व्यक्ति है। तो गाइज दिस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एटलीस्ट उस फिल्म से कुछ तो खबरें जो है वो बाहर आई। और अगली खबर है नन अदर द बेस्ट एक्टर ऑफ द डेकेड, लास्ट डिकेड, वरुण धवन की फिल्म से। सो गाइज वरुण धवन हैज फाइनली क्रैक्ड इट विद एटली। सभी लोगों को पता है यू नो एटली के साथ उनकी फिल्म आ रही है, वो एटली का फिल्म करने वाले हैं, तब करने वाले हैं। फाइनली एटली एंड वरुण धवन की जो मीटिंग्स है वो गाइज सक्सेसफुल हुई। एटली अभी फिलहाल मुंबई में, सभी लोगों को पता है जब से जवान की शूटिंग शुरू हुई है इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड टू मुंबई गाइज यहाँ पर। अब एटली के साथ वरुण धवन, एटली एंड मुराद खेतानी साथ में एक फिल्म जो है अगस्त के महीने में शूटिंग करने वाले हैं। अब भैया साउथ वाले क्या बोलूं मैं भाई, वहां के जो तमिल ट्रेड वाले हैं मैं उनको अक्कल ही नहीं है भाई। ये फिल्म एटली डायरेक्ट नहीं करेगा, ये फिल्म एटली प्रोड्यूस करने वाला है मुराद खेतानी के साथ। समझ में आया? तो डोंट जंप इन टू कंक्लूजन कि एटली इसको बनाएगा, इससे तलपति की फिल्म जो है वो नहीं करने वाला है। दिस इज एन एटली प्रोडक्शन, एटली एंड मुराद खेतानी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले, बहुत ही बड़ा एक्शन स्केल होने वाला है। देखिए गाइस वरुण धवन को एक अच्छी फिल्म की जरूरत है, उसको एक अच्छे गाइस एक्टिंग जिस तरह से उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, लाइक अ बदलापुर हो, लाइक एन अक्टूबर हो, अब उनकी एक्टिंग बराबर तरीके से निखार है। अब नीतीश तिवारी विल मेक अ फैंटास्टिक फिल्म, वी ऑल नो बवाल विल डू वंडर एट द बॉक्स ऑफिस। तो अब ये जो फिल्म है वरुण धवन यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एक्शन अवतार में दिखाने देने वाले हैं। एंड गाइस ये फिल्म अगस्त के महीने से जो है फ्लोर्स पर जाएगी। सभी लोगों को पता है शाहरुख खान एंड एटली की फिल्म जवान 7th को रिलीज होने वाली है। वरुण फिलहाल सीता दल जो है उसका जो हिंदी अडेप्टेशन है समानता के साथ वो शूट कर रहे हैं राज एंड डीके के साथ। एंड वरुण की अगली फिल्म जो है वो होने वाली है बवाल। तो गाइज ये थी आज की 4 खबर है भैया जो आप सभी लोगों को बतानी चाहते थे, हम बताना चाहते थे भाई। आशा करते हैं आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपसे पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।